The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So paronychia. Paronychia basically kya hai, kyun hota hai aur aapke nails ko infection kyun hota hai, right? Paronychia matlab infection of the skin around the nail. Nail ke aas paas ke skin ka infection hai paronychia. Aur ye aapke fingernail ya toenail dono mein ho sakta hai. Aur infected area mein sujan aa sakti hai. Infected area can become swollen and pus can also get filled in it. Pus bhar sakti hai usme, abscess ban sakta hai, blister ban sakta hai. Zyadatar cases mein ye koi serious cheez nahi hoti hai, apne aap theek ho jati hai aur ghar mein hi treat kar sakte hai. Rare cases mein infection jo hai aapke finger mein phail sakta hai aur agar aisa hota hai to doctor ke paas jane ki zarurat padegi. Saath mein ho sakta hai incision and drainage, aapko surgically वहां से पस निकालना पड़ जाए. नाउ दैट इज डिफरेंट थिंग, राइट? सो दैट इज द चांस फैक्टर. बच्चों में ज्यादा कॉमन नहीं है जब तक कि उनको इनग्रोन नेल ना हो जाए, राइट? इनग्रोन नेल बहुत कॉमनली हो जाता है, तो दैट इज वन पॉसिबिलिटी, राइट? तो पेरोनाइकिया क्यों होता है? वन ऑफ द कॉजेज इज इनग्रोन नेल. नेल में इरिटेशन हो रहा है, बेसलाइन नेल के बेड पे इरिटेशन है या इंजरी है, इनग्रोन नेल है. और जब भी वहां पे ऐसे कोई इरिटेशन या इंजरी होएगी, स्किन में प्रॉब्लम आएगी. उसके बाद क्या होगा अगर वहां पे व्हेन स्किन गेट्स डैमेज बिकॉज ऑफ दिस, जर्म्स कैन गो इनसाइड एंड कॉज इन्फेक्शंस. बैक्टीरिया से क्या होगा? बैक्टीरियल पैरानाइकिया, यानी कि इन्फेक्शन ऑफ द नेल बेड. और फंगाई, फंगस के वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है नेल बेड का. सो इन्फेक्शन ऑफ नेल बेड कैन बी बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, कैन बी बिकॉज ऑफ फंगस, राइट? एंड क्या क्या इंजरी कर सकता है आपको यहाँ पे? नेल बाइटिंग, ज्यादा ही नेल बाइट करने लग गए हैं, बहुत ज्यादा सकिंग कर रहे हैं अंगूठे में, अंगूठा चूस रहे हैं, क्लिपिंग, बहुत छोटा छोटा अपना नेल्स काट रहे हैं, बहुत ही अति छोटा, या फिर कोई मैनिक्योर कराने के बाद भी ऐसा हो सकता है. कई बार कुछ पानी में बहुत ज्यादा डालने के बाद भी ऐसा हो सकता है, और इनग्रोन नेल के वजह से भी हो सकता है. जिनको डायबिटीज है उनका चांस बढ़ जाता है ऐसे के इन्फेक्शन हो जाने का. अगर इन्फेक्शन होगा तो वो इन्फेक्शन यानी पूरा का पूरा नेल के नीचे का जो बेड है, यानी नेल के नीचे जो बेड होता है वो थोड़ा सा सूज जाएगा, थोड़ा सा लाल हो जाएगा. बेसिकली ऐसा नहीं होगा, तो इसमें दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा. सो लाल हो जाएगा और यहाँ से सूज सा जाएगा और वहां थोड़ा बहुत पस भी आ सकता है, ब्लिस्टर भी हो सकता है, पेन होगा, वॉर्म होगा, टेंडर हो सकता है, दबाने से दर्द हो सकता है, पस भी भर सकती है वहां पर. और बैक्टीरियल में होगा तो वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, तुरंत आ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, आपको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी. और फंगल होगा, स्लो मोशन में चलेगा, बिल्कुल गाड़ी 20 की स्पीड में चल रही, स्लोली धीरे 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 कई कुछ समय बाद धीरे धीरे पता चलेगा. क्रोनिक इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल नेल इन्फेक्शन पैरोनाइकिया. क्रोनिक पैरोनाइकिया और ज्यादा दिक्कत कर सकता है, नेल को इफेक्ट कर सकता है, नेल अलग अलग कलर का आ सकता है, नेल मोटा हो सकता है, नेल फंगल इन्फेक्शन हो सकता है क्रोनिक में. रेयर केसेस में पैरोनाइकिया में बहुत ज्यादा अगर अनट्रीटेड रह जाए सीवियरली, इन दैट केस इन्फेक्शन उस नेल के अंदर से बाहर फिंगर में फैल सकता है. सो हाउ इट इज डायग्नोस, देख के पता चल जाता है भाई साहब. विल सी इट, विल टेल यू इट इज पैरोनाइकिया. चुपचाप दवाई खा लो ऐसा. हाउ इट इज ट्रीटेड, ट्रीटिंग डिपेंड्स अपॉन कितना सीवियर इन्फेक्शन है. ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन है, ज्यादा हो चुका है, तो फिर इन्फेक्शन, फिर उसके बाद तो दवा खानी पड़ेगी, इंजेक्शन भी लेना पड़ सकता है. लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी मेजरली, राइट? उसको बेसिकली आप क्या कर सकते हो, वार्म वाटर में डुबा दीजिए. इनिशियल स्टेजेस में वार्म वाटर में डुबा दीजिए 20 मिनट के लिए, दिन में 2-3 बार, और आप देखोगे अपने आप ठीक हो जाएगा. बस खत्म, इतू सा करना है और कुछ नहीं करना, राइट? अगर वहां एब्सेस है तो फिर वो निकालना पड़ेगा. अगर पस बन गई है तो निकालना पड़ेगा, वरना नहीं, वरना कोई दिक्कत नहीं. पस निकालने के बाद में हो सकता है अपने आप ठीक हो जाए, हो सकता है आपके डॉक्टर आपको एंटी फंगल या कोई लोशन या कोई ओरल मुंह से कोई दवाई दे दे, डिपेंडिंग अपॉन कितना ज्यादा इंफेक्शन लग रहा है, केस टू केस बेसिस पे. ऑलराइट, सो दिस इज हाउ पैरोनाइकिया इज ट्रीटेड, फंगल नेल इन्फेक्शन. कैन इट बी प्रिवेंटेड? एब्सोल्युटली यस इट कैन बी. कैसे?
काटने का नहीं, डोंट बाइट नो, डोंट पिक योर नेल्स, बहुत ज्यादा ट्रिंग ना ट्रिम ना करो, बहुत ही ज्यादा पतले पतले, बहुत ही ज्यादा क्लोजली, मैनिक्योर दे भी ध्यान दो राइट, और उसको क्लीन मैनिक्योर रखो राइट, क्लीन योर क्लिपर्स वेरी इंपॉर्टेंट, सीजर्स वट एवर यू यूज इट, बहुत ज्यादा शॉर्ट नेल्स नहीं करने हैं, डोंट पुश और क्लूटिकल्स जो क्यूटिकल होते हैं उसको पुश नहीं करना है बार बार अंदर, कई लोग पुश करते हैं, कई सकिंग करते हैं, वो ना करें। रबर ग्लव्स भी एक चीज पहन सकते हैं अगर आपको कोई लग रहा है कि कोई हार्श डिटर्जेंट या कोई केमिकल के कॉन्टैक्ट में आने वाले हैं, तो रबर ग्लव्स पहन लीजिए, आपको प्रोटेक्ट करेंगे आपके नेल्स को इंजरी से। और अगर बच्चे को डायबिटीज है तो डायबिटीज, या बड़ों किसी को भी डायबिटीज है तो डायबिटीज कंट्रोल जरूर करें, एज मच एज पॉसिबल डायबिटीज कंट्रोल करना है, एज मच एज पॉसिबल नेल को बचाना है इंजरी से, आप उससे प्रिवेंटेड रहोगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू एक्चुअली प्रिवेंट नेल बेड इंजरी, नेल बेड इंजरी, नेल बेड इंफेक्शन, याद रखिए पैरोनाइकिया बोलते हैं नेल के बेड के इंफेक्शन को, ये फंगस से हो सकता है और ये हो सकता है बैक्टीरिया से। सो आपको है तो डॉक्टर के पास जा सकते हो, नहीं तो पानी में डुबा लीजिए और कुछ नहीं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय दिस सेशन, शॉर्ट प्रिसाइज सेशन, विल टॉक अबाउट सम मोर नेल थिंग्स इन अ वाइल।